Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Estran, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. Jai Hind, main Lalit Khatri aur MTTV India par aaj baat good news ki. Aur good news ye hai ki Kishangarh Ajmer Road ke Parasariya Double Fatak par ab aapko train guzarne ka intezar nahi karna padega. Ji haan, अब आपको आगामी 6 माह बाद से फाटक पर रुकना नहीं पड़ेगा। दरअसल फाटक पर अधूरे रेलवे ओवरब्रिज का सपना 7 वर्ष बाद अब पूरा होने जा रहा है। अभी तक फाटक के पास अजमेर की ओर 240 गज जमीन अधिग्रहण का मामला पेंडिंग चल रहा था, लेकिन अब यह मामला निपट गया है। मामला निपटने से अब यह संभव हुआ है कि इस पुलिया का निर्माण कार्य लगभग 6 से 7 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इससे शहर में आने जाने वाले लोगों के समय में बचत होगी। किशनगढ़ के इस अधूरे पड़े ओवरब्रिज का नया निर्माण जेट टेक कंपनी करेगी और इस काम पर लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। फिलहाल कंपनी ने निर्माण कार्य के लिए साफ सफाई सहित लेवलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। इस ओवरब्रिज के शुरू होने से किशनगढ़ से अजमेर की दूरी तय करने में 10 मिनट की बचत होगी। वहीं जानकारी के मुताबिक लंबे समय से चल रहे इस विवाद को निपटाने के लिए किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक ने पहल की थी, जिसके बाद टाक ने जमीन के मालिक श्याम सुंदर छापरवा और प्रशासन के बीच बातचीत शुरू करवाई थी और इस बातचीत से प्रशासन अब छापरवाल को जमीन का वाणिज्यिक गतिविधि के हिसाब से मुआवजा देने को तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने जमीन के एवज में छापरवाल को 67 लाख रुपए का मुआवजा भुगतान किया है और इस भुगतान के बाद छापरवाल ने न्यायालय से मुकदमा वापस ले लिया है, जिससे ब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सर, परासिया और ब्रिज है, वो और ब्रिज बनना था और इरकोन कंपनी उसको बना रही थी। इरकोन कंपनी पिछले 5-7 साल से वो काम एक बुझा बन के अटक गया था ड्यू टू लैंड डिस्प्यूट। एक खातेदार हैं वहाँ पे, उन खातेदार की ज़मीन थी और वो कॉमर्शियल थी और मुआवजा उनका एग्रीकल्चर के हिसाब से आ रहा था, तो वो हाईकोर्ट कोर्ट की शरण में चले गए और कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो वो काम रुक गया था। मेरे आने के बाद मैं लगातार इस काम के पीछे पड़ा रहा, क्योंकि बड़ा एसेंशियल वर्क था, लाइफलाइन है हमारी किशनगढ़ की और अजमेर की। तो मैंने इस इशू को लिया और इसकी तह में जाके मैंने पता किया कौन खातेदार है और किस तरह से ये मामला निपट सकता है। सरकार से मैंने बात करी, मुख्यमंत्री जी से बात करी, हमारी UDS मिनिस्टर शांति धारीवाल साहब से मैंने बात करी और दोनों को इस बारे में अवगत कराया और उन्होंने प्रोसेस पे लेने के लिए कहा। मुझे बताया गया कि खातेदार से आप बात करो, तब मैं खातेदार से आके मिला, अजमेर के हैं वो, और उनसे मिलने के बाद मुझे पता लगा कि उनके जो लैंड डिस्प्यूट है उसमें मुआवजे को लेके, राशि को लेके थोड़ा गड़बड़ था मामला। ये बात मैंने फिर माननीय मंत्री महोदय को बताई और उन्होंने इस बात पे संज्ञान लिया और तत्काल उनका जो मामला था उसको निवारण कर दिया और कॉमर्शियल के हिसाब से उसका मुआवजा तय हो गया। 67 लाख रुपये की राशि उनकी बनी थी, जिसको स्वीकृत करके सरकार ने माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भेज दी और वो जब राशि हो गई तो मैंने ये कंडीशनली बात करी थी कि आपको पहले मुकदमा जो आपने कोर्ट में दायर कर रखा उसको लेना पड़ेगा वापस, तब आपको मुआवजा हम दे देंगे। और इस बात पे एग्री हो गए हम, एक सहमति बन गई थी हमारी और इस सहमति के आधार पे हमने उनको मुआवजा दे दिया और उन्होंने कोर्ट से अपना केस विड्रॉ कर लिया और उसके बाद ये रास्ता खुल गया इस पुलिया के बनने का। इरकोन कंपनी काम करके चली गई थी और वो वापस आना नहीं चाह रही थी, तो शायद ZF कंपनी है कोई, उनको ये काम दिया गया। अब वो काम 4-5 दिन पहले स्टार्ट हो गया। ये हमारे शहर के लिए, अजमेर के लिए, आम आदमियों के लिए बड़ी खुशखबर है और ये एक थोड़े से प्रयास, छोटे से प्रयास में ये काम हो गया। मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैंने, मेरा इसमें रोल रहा और सरकार ने बहुत ही मानवीय इस पहलू को संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई करके मेरी किशनगढ़ की जनता को राहत प्रदान करी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और धारीवाल साहब का भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस बात पर संज्ञान लेके जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करवाया। सर, कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा? मैं भी, मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 महीने में इस काम को पूरा कर देंगे, क्योंकि और ब्रिज है ये और सूखने में और लेंटर डालने में टाइम लगता है, तो 5 से 6 महीने मेरे को लगता है कि इसमें पूरा हो जाएगा। एक छोटा डिस्प्यूट और आया था इस बीच में, उसको भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया आपस में बैठ के।